मुझे उम्मीद है कि आप सभी वज़ीरेक्स यूज करते होंगे और आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आई होगी वो ये है कि आपने पैसा डिपॉजिट तो कर दिया वज़ीरेक्स के ऊपर लेकिन उसको विड्रॉ नहीं कर पा रहे हो। जी हाँ दोस्तों, अब ये सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो क्लियर कर दी गई है। वज़ीरेक्स सबसे अच्छा एक्सचेंज हमेशा ही रहा है, यानी कि जब जब भी प्रॉब्लम्स आई हैं उनको सॉल्व भी किया गया है। ऐसे हम रेगुलर बेसिस पर देखते हैं कि कई सारे एक्सचेंजेस जो है हमारे ऊपर कई सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा रही हैं। फॉर एग्जांपल ज़ेपेक आपको बताया था कि वहाँ पे आपको 3 तरह की KYC चाहिए, 500 रुपये देकर आपको KYC करनी पड़ेगी। कुछ एक्सचेंजेस 1000 रुपये ले रहे हैं KYC करने के लिए और कुछ एक्सचेंजेस का जो ट्रेडिंग फी है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, जो कि लगभग 0.5% से ऊपर जा चुका है। इसी के साथ हम TDS भी 1% दे रहे हैं, लेकिन वज़ीरेक्स ने अनाउंस ये भी कर दिया है कि वो ट्रेडिंग कॉम्पिटिशन हमें देंगे जिसमें या तो फीस बहुत कम रखी जाएगी या फिर फीस को बिल्कुल जीरो कर दिया जाएगा, खासकर इन ट्रेडिंग कॉम्पिटिशन्स के टाइम पे। तो बहुत सारी नई अपडेट्स हैं वज़ीरेक्स को लेकर। इसी के साथ जो जियो है वो भी अभी ब्लॉकचेन में एंटर करने वाला है, तो कई सारे अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं इस वीडियो में। तो अगर आप भी वज़ीरेक्स यूज़ करते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। बाकी अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर मिलती रहेंगी, वॉल्फ ट्रेड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर मैं सारे अपडेट्स सबसे पहले डालता हूँ ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। तो मैं कुछ हमारे लास्ट कमेंट्स चेक कर रहा था तो उसके ऊपर भी यही कमेंट्स आ रहे थे कि या तो पैसा डिपॉजिट किया है तो डिपॉजिट नहीं हुआ या फिर विड्रॉ किया तो विड्रॉ तो हो ही नहीं रहा। लेकिन इसका सबसे बड़ा सलूशन जो है वो वज़ीरेक्स ने ऑलरेडी दे दिया है। पहले ये कुछ परसेंटेज के हिसाब से चला हुआ था, यानी कि 10%, 20%, 50%, 60%, यानी कि धीरे धीरे कुछ यूज़र्स के लिए इन्होंने विड्रॉल अलाउ किया था और अभी सभी यूज़र्स के लिए विड्रॉ अलाउ कर दिया गया है। और इसी के साथ कुछ कमेंट्स ये भी आए हैं ज़ेपे के ऊपर कि उनको भी KYC का सामना करना पड़ रहा है, कि एक तो ऑलरेडी KYC की हुई है लेकिन वो बोल रहे हैं कि 500 रुपये हमें और चाहिए तभी हम आपकी KYC कर पाएंगे और फिर आप फुल फ्लैश ट्रेडिंग कर पाओगे, डिपॉजिट विड्रॉल कर पाओगे। यही कुछ बड़े कारण हैं जिस वजह से हमें वज़ीरेक्स जैसी एक्सचेंज के ऊपर फिर से वापस आना पड़ा। तो आप देख सकते हैं वज़ीरेक्स ने एक ट्वीट डाला है जिसके ऊपर इन्होंने कहा कि INR withdrawals टू ऑल आवर यूजर्स हैव बीन रोल्ड आउट, जो कि सबसे बड़ी डिमांड थी वज़ीरेक्स यूज़र्स के लिए नहीं बल्कि सारे जितने भी इंडियन यूज़र्स हैं जो कि वज़ीरेक्स को यूज़ करना चाहते हैं और अपने पैसे को INR में विड्रॉ करना चाहते हैं। तो कुछ दिन पहले मैं भी चेक कर पा रहा था, जब नेफ्ट विड्रॉल चेक किया तो वो भी नहीं चल रहा था, इवन इंस्टेंट विड्रॉल जो कि IMPS के द्वारा होता है वहाँ पे भी नॉट अवेलेबल, टेम्प्रेरी अनअवेलेबल आ रहा था। अब ये दोनों ऑप्शंस को हटा दिया गया और अभी एक नया ऑप्शन आया जो है IMPS इंस्टेंट विड्रॉल, जिसके ऊपर आपके जो चार्जेस है वो 25 रुपये लगेंगे पर ट्रांजेक्शन और टोटल आप यहाँ से 1 लाख पर डे निकाल सकते हो, जिसमें आप मिनिमम 500 रुपये विड्रॉ कर सकते हैं और मैक्सिमम ट्रांजेक्शन आपकी 25,000 की हो सकती है, 500 से लेकर 25,000 रुपये और टोटल आप 1 लाख रुपये विड्रॉ कर सकते हो। तो बहुत अच्छी बात है, अभी विड्रॉल चालू कर देंगे जो कि सभी के लिए। तो एक्चुअल में क्या है कि वज़ीरेक्स ने अपना जो पार्टनर्स है, बैंकिंग पार्टनर्स हैं, उनको चेंज किए। अब बैंकिंग पार्टनर बदलने की वजह से अभी जो पुराना नेफ्ट था, IMPS था, उनको तो हटा ही दिया गया, वो कम्प्लीटली हटा दिए गए। अभी बिल्कुल नया ऑप्शन जो है वो है अगेन IMPS के इंस्टेंट विड्रॉल। तो बहुत बड़ा स्टेप उठाया वज़ीरेक्स ने हम सभी को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि जनरली जब हम बाकी एक्सचेंजेस यूज़ करते हैं वहाँ पे या तो P2P यूज़ करना पड़ता है जैसे कि Binance के ऊपर, लेकिन P2P में कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जैसे कि हमारे बैंक अकाउंट सीज कर दिए जाते हैं, फ्रीज कर दिए जाते हैं, हमारा उसमें पूरा पैसा फंस जाता है अगर हम उनके ऊपर P2P करते हैं, खासकर Binance के ऊपर, जो हमारे सामने कई सारे पहले भी केस आए हैं। लेकिन वज़ीरेक्स के द्वारा अगर हम विड्रॉ करेंगे तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि अगर हमारे पास ट्रस्ट वॉलेट या फिर डेक्स के ऊपर कहीं भी पैसा पड़े और उस पैसे को अगर हम INR में विड्रॉ लेना चाहते हैं तो बेस्ट ऑप्शन यही रहता कि हम वज़ीरेक्स के ऊपर INR में विड्रॉ ले पाएं। तो वज़ीरेक्स धीरे धीरे रिवाइव हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ अगर हम बाकी कुछ एक्सचेंजेस की बात करें तो आपने पिछली बार कॉइन DCX का सुना होगा और अभी क्या कि कॉइन स्विच कुबेर जो है उन्होंने भी 44 इंप्लॉयज़ को अभी ले ऑफ कर दिया, यानी कि उनको हटा दिया, धीरे धीरे अपने स्टाफ को कम कर रहे हैं ताकि इनकी जो कॉस्ट कटिंग है वो धीरे धीरे कम करी जाए। तो लगभग 12% इन्होंने अपने इंप्लॉयज़ को कम किया। तो एक्चुअल में सिर्फ इन्होंने जो कस्टमर सपोर्ट टीम है सिर्फ उन्हीं को ले ऑफ किया है, उन्हीं को प्लेटफॉर्म से हटाया, स्टाफ कम कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे ये कहा गया कि 44 ऐसे मेंबर्स हैं जिन्होंने खुद वॉलंटरली अपने हिसाब से, अपना ही देखते हुए उन्होंने रिज़ाइन कर दिया कॉइन स्विच से। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इन्होंने अपनी जो सपोर्ट टीम है उनमें से कुछ मेंबर्स को कुछ और स्किल्स डेवलप करके बाकी रोल्स में भी ऐड किया है, यानी कि एक्सचेंजेस ऐसा नहीं कि बिल्कुल ख़त्म हो रही है लेकिन फिर भी इनको अपना स्टाफ कम करना पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि एक्सचेंजेस के ऊपर इतना ट्रेडिंग वॉल्यूम ही नहीं है जिससे अपना ये इनफ रेवेन्यू जनरेट कर पाएं। जब तक रेवेन्यू नहीं होगा एक्सचेंज का तब तक ये अपना स्टाफ रन नहीं कर पाएंगे, उनको सैलरीज नहीं दे पाएंगे। और इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, 1-30% का जो टैक्स है वो तो अलग चीज़ है, वो तो प्रॉफिट होगा तब देना पड़ेगा, लेकिन एक जो 1% का TDS है, TDS के चक्कर में कोई भी ट्रेड ही नहीं करना चाहता इन इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर। तो ये तो कहानी बताई थी कॉइन स्विच कुबेर ने, लेकिन सच्चाई क्या है
कि यहाँ पे जो एक्चुअल ले ऑफ किया गया वो बिना किसी नोटिफिकेशन के दिया गया है। यहाँ पे किसी ने बताया कि माई एक्सेस वॉज सडनली टेकन अवे विदाउट प्रायर नोटिस, यानी कि सडनली इन्होंने अपना जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको हटा दिया, पूरा एक्सेस ही ख़त्म कर दिया। यानी कि कॉइन स्विच ने खुद भी इनको ज़बरदस्ती बोला है कि वो इनके एक्सचेंज को, इनकी कंपनी को छोड़कर चले जाएं। लेकिन फिर अगर नहीं कोई मानना तो धीरे धीरे इन्होंने ज़बरदस्ती इनको हटाना शुरू कर दिया। तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसे हालात चल रहे हैं इंडियन एक्सचेंजेस के, क्योंकि वहाँ पे पैसा ही जनरेट नहीं हो पा रहा और जो इंडियन ट्रेडर्स हैं उनके पास भी पैसा नहीं आ रहा है। इसके अलावा एक बड़ी कंपनी का नाम सामने आया है, सबसे बड़ी कंपनी इंडिया की, वो है जियो। मुकेश अंबानी की जो कंपनी जियो फर्म है, तो वो भी अभी सोच रहे हैं कि वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को और CBDC को, दोनों को एक्सप्लोर करने वाले हैं, और वो भी फुल स्केल पे इन्होंने बताया है। तो ये सबसे बड़ी अनाउंसमेंट खुद मुकेश अंबानी जी ने खुद करी है। तो आपको लास्ट टाइम भी मैंने एक चीज़ बताई थी कि अंबानी रिलायंस जो कंपनी है ये नई फाइनेंशियल सर्विसेज में ऑलरेडी हिस्सा ले रहे हैं। पिछले महीने आपको बताया था कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ये ब्लैक रॉक के साथ ऑलरेडी पार्टनर करके काम करना शुरू कर चुके हैं, और अभी इन्होंने ऑलरेडी एक नई अनाउंसमेंट कर दी CBDC की और ब्लॉकचेन की। तो आई होप कि आपने लास्ट मेरा अनाउंसमेंट भी सुना होगा, तब हमें सिर्फ एक एंटिसिपेशन थी, यानी कि एक सिर्फ सोच थी कि शायद जियो जो है वो फाइनली ब्लॉकचेन के ऊपर काम करेगा। लेकिन अब इन्होंने क्लियरली बोल दिया कि सच में करने वाले हैं इसके ऊपर, और CBDC को भी सपोर्ट करेंगे। क्योंकि इसी के साथ साथ अगर हम क्रिप्टो की बात करें, AI की बात करें, तो इसको लेकर कुछ नई रेगुलेशंस आने वाली हैं जो कि हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बताई गई है कि G20 का समिट जो होने वाला है न्यू दिल्ली में, तो इसी को लेकर, इस टॉपिक को लेकर कई सारी डिस्कशंस होने वाली हैं, जैसे कि नई टेक्नोलॉजीज, क्रिप्टो करेंसीज, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और अगर आपको नहीं पता तो पिछले ही दिन, एक दो दिन पहले ही, जो मुकेश अंबानी है उनको चैलेंज किया गया था कि ChatGPT जैसा या फिर कोई भी AI इंडियन कंपनी या फिर जियो या फिर रिलायंस नहीं बना पाएगी। तो उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया और उन्होंने कहा कि हम ऐसा बनाकर दिखाएंगे। तो अभी जो मोदी जी हैं उनका कहना यह है कि सिर्फ क्रिप्टो नहीं बल्कि जितनी भी नई टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको लेकर नई रेगुलेशंस और फ्रेमवर्क चाहिए, और वो भी ग्लोबल चाहिए, यानी कि बिल्कुल सेम होने चाहिए सारी कंट्रीज़ के लिए। हालांकि हम जानते हैं कि जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ लेकर आने वाली है, जो कि ऑलरेडी इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि हमारा इंडिया का ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, जिस कारण हम बाइनेंस जैसे एक्सचेंजेस के ऊपर धीरे धीरे मूव हो चुके हैं। लेकिन अभी फिर से हमें एंटी क्रिप्टो ही देखने को मिलेगा, यानी कि एंटी क्रिप्टो पॉलिसीज ही हमें देखने को मिल सकती हैं, चाहे ये CBDC की बात करें, ईरूपी की बात करें। तो कोई भी मैं पॉजिटिव अपडेट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा G20 से। बाकी आपका क्या मानना है इसके बारे में, एक बार नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आप अभी कौन सा एक्सचेंज यूज़ कर रहे हैं, क्या वो वजीरेक्स है, कॉइन स्विच कुबेर है, कॉइन DCX, जेप पे, एक बार नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं नेक्स्ट वीडियो में उस एक्सचेंज के बारे में और इन्फॉर्मेशन दूंगा, जैसे कि जेप पे को लेकर मुझे बोला जा रहा है, कई सारे कमेंट्स आए कि इसको लेकर और भी वीडियोस आने चाहिए, कुछ और अपडेट्स आने चाहिए, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर दिस वीडियो, और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन हमेशा पहुँच रहे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।